दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार आप कह रहे थे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने के लिए कि शैक्षिक तकनीकी की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये पहली वीडियो होने वाली है और एक छोटी सी वीडियो में हम पहले यूनिट को समझेंगे। बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले यूनिट में शैक्षिक तकनीकी की जो कॉन्सेप्ट होती है, अवधारणा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जानेंगे शैक्षिक तकनीकी के बारे में। इसके तीन जो प्रमुख उपागम है, कठोर उपागम, कोमल उपागम और सिस्टम प्रणाली उपागम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो तीन अप्रोचेस हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, उसको हम जानेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे इनके जो प्रमुख तीन टाइप्स हैं उनको, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। ये तीन प्रमुख इसके प्रकार हैं, उन सबको हम समझेंगे। देखो, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं। देखिए, दो शब्द हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़। अब आप मॉडर्न में देखेंगे इस समय बहुत टेक्नोलॉजी की यूज़ हुई है। बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल हुआ। इसका दूसरा पहलू ये है दोस्तों, आप अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रयोग किए जाने लगा। साइकोलॉजी को यूज करके भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। जितने भी आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो वास्तव में एक साइंस है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों को पहले मारा जाता था, अब बच्चों को आप मार नहीं सकते, आप उनको समझा के पढ़ाएंगे, उनको ट्रिप करा के खेल के माध्यम से या किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, आप उनको सिखाएंगे। तो आप उसमें क्या करेंगे, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल साइंस भी आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वास्तव में दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आप ये कह सकते हैं एजुकेशन में साइंस का इस्तेमाल करना। क्योंकि जब आप साइंस कहेंगे तो फिजिकल साइंस या फिर साइकोलॉजी, दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब आइए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से वो दो शब्द हैं, एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अफेक्टिव बनाने के लिए तकनीकी साधनों की का मदद लेता है, जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे शिक्षण तकनीकी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे आपको इसका अर्थ देखने को मिल गया कि शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीक। शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। तो इस प्रकार से जब भी कोई शिक्षक अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है अपने पढ़ाने को प्रभावशाली बनाने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी दोनों को प्रभावित करती है, शिक्षक को भी और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी और पढ़ाने के तरीकों को भी, तो वास्तव में यही प्रक्रिया क्या है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल, तकनीकी के इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का यूज। समझ में आ गई बात। चलिए, बिल्कुल इसी तरह से आसान शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि जैसे कि इस शिक्षा के जगत में आजकल स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल, लैपटॉप का, टेलीविजन का, स्मार्टफोन का इस्तेमाल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में। अब परिभाषा देखेंगे, परिभाषा में और चीज़ें क्लियर होंगी। परिभाषा में देखिए, डॉक्टर SS कुलकर्णी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणाली, विधि एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। वो सभी मेथड्स, आजकल नए नए मेथड्स के तरीके से पढ़ाना शुरू हो गया, नई नई आपकी विधि आ चुकी है, नए नए टाइप्स आ चुके, नए नए अप्रोचेस आ गए, तो इन सब का इस्तेमाल करना दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ये क्या कहलाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, JP डिस्को ने कहा कि शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान की विस्तृत प्रयोग के रूप में है। इन्होंने ये कहा कि अधिगम का मनोविज्ञान क्या है, तो उसको सिखाने के लिए आप साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करना शिक्षा के क्षेत्र में, ये क्या रहता है, शैक्षिक तकनीकी क्या रहता है। BF स्किनर से बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया, इन्होंने कहा कि शैक्षिक तकनीकी वह शास्त्र है, वह विद्या है जो शिक्षा को प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, ठीक है, तथा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है और बेहतर बनाता है और उसकी उन्नति करता है। ये परिभाषा दिया था BF स्किनर, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या। अब आप बताइए, जब आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसका क्या पर्पस, क्या उद्देश्य है। क्या आप नहीं मानते हैं दोस्तों कि इससे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से किसी बच्चे को अगर आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उनको सामने दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा, साफ स्पष्ट हो जाएगा, बच्चे के लिए रुचिकर इंटरेस्टिंग होगा,
और वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ बोधगम एवं प्रभाव में उत्पादक बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, यह एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ विधि का मतलब दोस्तों कि कोई भी पढ़ाए तो वो एक ही चीज़ पढ़ाएगा, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए आप बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो आपने लिख के पढ़ाया, साथ ही साथ आप दिखा के पढ़ाए, तो ये क्या होगा, उनको बोधगम्य समझने में आसानी होगी और प्रभाव में उत्पादक बनेगा, उनको क्या होगा और प्रभावशाली बनेगा। तो आप इसको अपने शब्दों में लिखिएगा कि शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी का क्या उद्देश्य है, कि जो भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको आसान बनाना, रुचिकर बनाना, स्पष्ट बनाना, प्रभावशाली बनाना, समझने योग्य बनाना, और ये सारी चीज़ें क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान देना, ये सारी चीज़ें उद्देश्य हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। ज्ञान का संचय, विकास का प्रसार करना, संचय करना, प्रसार करना। जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, अगर आप अभी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तीन बार देख सकते हैं, चाहे उसको सेव कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ज्ञान को संचय कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कहीं प्रसार भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक और उद्देश्य हो गया कि बच्चे जब चाहे इसको देख सकते हैं, जब चाहे इसे पढ़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षाकृत सुधार लाना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करना, सुधार लाना। शिक्षकों के शिक्षण कौशल का विकास कर उन्नति, योग्यता, क्षमताओं में वृद्धि करना टीचर्स के लिए भी फायदा है, कि उनके क्या, उनके टीचिंग स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट आता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, जिससे शिक्षण की जाँच सुगमता से हो सके। शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, जांच करना, इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, इससे आसान हो जाता है। छात्रों के गुणों, क्षमताओं, उपलब्धियों एवं कौशलों का विश्लेषण करना, समझना कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ इसको और सिखाना है। एक और पॉइंट देखते चलिए, देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट। आपको पॉइंट समझना है और उस पॉइंट को कैसे लिखना है या उस पॉइंट का मतलब क्या होता है ये जानना है, क्योंकि पूरे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बस एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बात खत्म। अब जैसे जैसे नए नए पॉइंट आएंगे उस पॉइंटों को आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ दोस्तों कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। अब आपको सोचना है कि कैसे राजनीतिक दोस्तों शैक्षिक तकनीकी को कैसे प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए कोई ऐसी सरकार हो जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा देती हो, जो ज़्यादा चीज़ें प्रमोट करती हो, तो वो डेफिनेटली प्रभावित करेगी। आर्थिक दोस्तों, स्कूल के पास पैसे कितने हैं, पैसे कितने आ रहे हैं, वो उसको प्रभावित करेगा। शिक्षक शैक्षिक जो गतिविधियाँ या फिर शिक्षक हैं वो कितना जानते हैं उस टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। सांस्कृतिक, सामाजिक, बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, किस जगह से बिलोंग करता है, ये चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी। मनोवैज्ञानिक दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कि शिक्षक कैसे इनको मनोविज्ञान के मन के साथ इनको खिला के पुला के या फिर मोटिवेट करके फीडबैक लेके कैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा पाता है, ये वो पॉइंट है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं। अब आइए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है, और बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर चाहे तो आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि इन तीनों में से एक सवाल आपको कंफर्म मिलेगा, आपके एग्जाम में कंफर्म मिलेगा। वो क्या है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी के उपागम, मतलब मिलेगा तो मिलेगा, ये पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो ये आता ही आता है। कठोर उपागम, कोमल उपागम या प्रणाली उपागम, ये तीन तरीके के उपागम है, ठीक है, ये तीन तरह के अप्रोचेस है। इसको किसने कहा था, लुम्सडेन ने तीन शैक्षिक तकनीकी के उपागम बताए हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली उपागम। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, आपने बच्चे को पढ़ाने के समय कुछ टेक्नोलॉजी यूज करी, तो मान लीजिए आपने मोबाइल यूज किया, स्मार्टफोन यूज किया, लैपटॉप यूज किया, रेडियो यूज किया, ये सारी चीजें यूज की, क्या आप इन चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हार्डवेयर के अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक तकनीकी में उन उपकरणों का इस्तेमाल जिससे बच्चा छू सके, बच्चा देख सके, बच्चा अनुभव कर सके, उसको हम कहते हैं शैक्षिक तकनीकी के कठोर उपाय, ठीक है। अब आप कहोगे सर हर एक चीज़ तो छू सकते हैं, नहीं छू सकते। मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करने से क्या हुआ, बच्चे को अंतर से मोटिवेशन आ रहा है और वो पढ़ रहा है। अब ये जो तारीफ करने की प्रक्रिया है, ये वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, आप इसको छू नहीं सकते। और भी बहुत तरीके, जैसे कि आप बच्चों को कुछ इनाम रख देते हैं, ठीक है, कि बच्चा अगर ये कर लेगा तो ये इनाम मिलेगा, तो ये वास्तव में साइकोलॉजिकल उसके ऊपर असर कर रहा है, ये भी एक विज्ञान का ही प्रयोग है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल आप उसको यूज करें, मनोवैज्ञानिक तरीके से यूज करें जिसे आप छू नहीं सकते। तो ये आएगा दोस्तों किसके अंतर्गत, ये आएगा कोमल उपागम के अंतर्गत। अब प्रणाली उपागम क्या है, प्रणाली उपागम यह है कि किसी बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो किस कारण से नहीं सीख रहा है, उस कारण को जानने के बाद आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कठोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोमल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो प्रणाली उपागम, जो सिस्टम अप्रोच है,
वो दोस्तों इन दोनों का मिला के चलती है, दोनों को साथ लेके चलती है। अब आइए जरा इसको समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कठोर उपागम का मतलब, अब कठोर उपागम को दोस्तों प्रथम उपागम भी कहते हैं, कठोर उपागम या प्रथम उपागम भी कहते हैं। दृश्य अन्य सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप से भी जाना जाता है, इसको मशीन प्रणाली भी कहते हैं, इसको दृश्य अन्य सामग्री भी कहते हैं। इसका जन्म भौतिकी तथा अभियांत्रिक के योग से हुआ है। जितने भी उपकरण या मशीनें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिनका शिक्षा में प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, वे सभी इसी वर्ग में आते हैं। समझ में आ गई बात कि जिसको हम छू सके, देख सके, अनुभव कर सके, वो सारे शिक्षक सामग्री का प्रयोग इसी उपागम के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक बात आई है, भौतिकी विज्ञान तथा अभियांत्रिक ये जितने भी चीजें हैं दोस्तों, ये किस प्रिंसिपल से काम करते हैं? फिजिक्स पे, यानी कि इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, ठीक है। प्रणाली उपागम में साइकोलॉजी पे काम करेंगे, अभी समझेंगे इसको। इसीलिए इन्हें कठोर शिल्प उपागम कहते हैं, क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीकी के नाम से दिया था। एग्जाम्पल क्या है भाई? रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर इत्यादि, ये सारे किसके अंतर्गत आ गए? कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आ गए। अब बात करते हैं कोमल उपागम। कोमल उपागम का मतलब क्या होता है? कोमल उपागम मतलब दोस्तों, यह शैक्षिक तकनीकी के उपागम में सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, विशेष करके अधिगम के मनोविज्ञान के आधारशिला पे खड़ा है। कठोर किस पे खड़ा था दोस्तों? भौतिकी विज्ञान और अभियांत्रिक पे। ये किस पे खड़ा है? सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेष करके अधिगम के मनोविज्ञान पर। मेल्टन ने 1959 के अनुसार यह तकनीकी इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन, जिससे बच्चे का स्कूली अनुभव आदि भी सम्मिलित है, को अंतर्हित करता है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है, इनका ये मानना था कि अधिगम के मनोविज्ञान के फलस्वरूप आप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। तकनीकी एवं मशीनी उपकरण, रेडियो, टेलीविजन, शिक्षा मशीन आदि जो कठोर उपागम है, ये सारे क्या है? कठोर उपागम है। उनके माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियां, युक्तियां आदि, आप यहाँ पे देखिए, शिक्षण विधियां, युक्तियां आदि कोमल शिल्प उपागम के अंदर आएंगी अथवा सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आएंगी। जबकि इसके अलावा जो हमारे शैक्षिक तकनीक, ये रेडियो टेलीविजन है, इसका उपयोग कठोर, यहाँ पे देखिए कोमल को हम मृदुल भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं विधि, पढ़ाने की विधि, जैसे पढ़ाने की विधि, तो ये किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? कोमल उपागम के। युक्ति, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, तो ये जो आपका मेथड है, आपका तरीका है पढ़ाने का, आपको मोटिवेट करना है, हंस के पढ़ाना है, बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेन करके पढ़ाना है, ये जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ये जो पढ़ाने की विधि है, ये कोमल के अंतर्गत आएगी। और जो आपने टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, जो डिवाइसेस और गैजेट इस्तेमाल किए, उनका इस्तेमाल का मतलब आपने कठोर उपागम का इस्तेमाल किया, ठीक है, समझ आ गए। अब आइए अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी। हाँ, अब यहाँ पे कह रहे हैं अनुदेशनात्मक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी इसी तकनीकी के परिधि के अंतर्गत आती है। ये तीनों क्या है? प्रकार है। अभी हम आगे चलेंगे तो इसको पढ़ेंगे। अब लास्ट हमारे पे क्या रहेगा? प्रणाली उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच। इंग्लिश मीडियम वाले भी टॉपिक तो उनको बखूबी पता है और उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो कठोर को कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच, कोमल को कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच। अब इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन संबंधित विभिन्न प्रकार के समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है और प्रभावशाली तथा संतुलित समाधान निकाला जाता है। अब इसमें क्या है, आपको शिक्षण संगठन में, प्रशासन में, स्कूल के मैनेजमेंट को भी अध्ययन किया जाता है। क्या कारण हो गया, क्या कमी हो गई, मतलब एक सिस्टम कैसे बनाना है, उसका अध्ययन करना है। कुछ कारण हो तो उसको हल करते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा नियोजन, ठीक है, शिक्षा को कैसे प्लानिंग करना है, संगठन, संचालन और मूल्यांकन करने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये प्रणाली क्या है दोस्तों? आपके नियोजन, प्लानिंग, संगठन, इस पर ज़्यादातर काम करती है। शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई ऐसी सच्ची तकनीकी अवश्य होनी चाहिए जो कोमल एवं कठोर उपागम में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करे, दोनों के मध्य एक स्वाभाविक संबंध बना सके। तो ये प्रणाली जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या करती है? इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करती है, दोनों को लेकर चलती है। वास्तव में ये एक सिस्टम प्रणाली है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको सवाल पूछेगा। सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, अभी समझ जाइए। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इनके उपागमों की व्याख्या करिए। सवाल ये भी पूछ देगा शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, किसी एक उपागम जैसे कठोर उपागम की व्याख्या करिए। सवाल दोस्तों, कठोर उपागम और कोमल उपागम, हार्डवेयर अप्रोच और सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्रोच, इस दोनों में अंतर पूछ देता है। तो अंतर आप जरूर लिख सकते हैं, लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रणाली उपागम के बारे में बात कर रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी के उपागम में प्रणाली उपागम इस कार्य को पूर्ण करता है। कौन सा कार्य है?
ये कार्य कि जो हम दोनों में समन्वय स्थापित कर सके। देखिए, ऐसी शैक्षिक तकनीकी आवश्यक है जो कोमल और कठोर दोनों में संतुलन बनाए। तो इसीलिए दोस्तों शैक्षिक तकनीकी का यह उपागम इस कार्य को पूरा करता है। ये शैक्षिक साधनों के अपव्यय को रोकता है, अपव्यय मतलब खराब होने को रोकता है। सीमित साधनों के प्रयोग से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है। प्रणाली उपागम दो प्रकार के होते हैं, कठोर सामग्री और कोमल सामग्री। मतलब वही कहा कि प्रणाली उपागम में ये दोनों चीजें शामिल होते हैं। ओके, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार क्या होते हैं? पहले दोस्तों व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। एक चौथा है जिसको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं, अनुदेशन रूपरेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रमुख तीन है जो कि कई बार सवाल आपसे पूछते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि व्यवहार तकनीकी क्या होता है। देखिए, व्यवहार तकनीकी को समझने के लिए जरा आपको याद करना पड़ेगा कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को कैसे सिखाया था पिंजड़े को खोलना, या फिर पावलोव ने कुत्ते को कैसे सिखाया था कि घंटी पे उसका लार का निकलना, या फिर स्किनर ने कबूतर या चूहे को कैसे सिखाया था भोजन को प्राप्त करना। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सिखाया था। व्यवहार तकनीकी क्या कहता है दोस्तों? व्यवहार तकनीकी शिक्षण तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये इस बात पर बल देता है कि अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो। यह तकनीकी ये कहता है कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करिए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। जो आप उद्देश्य चाहते हैं बच्चों को सिखाना, उसको उनके बिहेवियर में आ जाए, वो बिहेवियर उनका चेंज हो जाए। तो व्यवहार तकनीकी इनको व्यवहार से जोड़ के देखता है। व्यवहार तकनीक व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो व्यवहार तकनीकी क्या कहता है दोस्तों? कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में चेंज लाना, आप ऐसे शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करिए जिससे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो। ठीक है, अब ये बीएफ स्किनर ने व्यवहार तकनीकी को विकसित करने में विशेष योगदान दिया। स्किनर ने अधिगम संबंधी सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। स्किनर ने यह प्रयोग किया। व्यवहार तकनीकी एक ओर जहां बताती है कि विद्यार्थियों को व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक के कक्षा संबंधित व्यवहार निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या तथा विकास की प्रविधियों का उल्लेख भी किया जा सकता है। व्यवहार तकनीकी को प्रशिक्षण तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रशिक्षण तकनीकी के नाम से जाना जाता है। वास्तव में दोस्तों व्यवहार तकनीकी के कहने का मतलब यह है कि आपकी पढ़ाने का सलीका, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने के मेथड्स, विधि इस तरीके से हो कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए। उसके लिए आप क्या करेंगे? मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। और स्किनर ने दोस्तों यह प्रयोग करके दिखाया था। स्किनर ने कैसे प्रयोग करके दिखाया था? स्किनर ने एक पिंजरा लिया था, वो स्किनर के प्रयोग में देख ली। जब स्किनर ने एक पिंजरा लिया, पिंजरे के अंदर उन्होंने कबूतर रख दिया, कबूतर गलत जगह अगर चोंच मारती तो उसको इलेक्ट्रिक के झटके लगते, और दूसरी जगह चोंच मारती तो वहाँ पे दाने उसको खाने को मिलते। तो इस तरीके से वो कबूतर दाना खाना सीख गई कि हमें कहाँ चोंच मारना है और कहाँ हमें दाना मिलेगा। तो इस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब गलत करना वो छोड़ दी, सीधा वो क्या करती? दाने को सही तरीके से खाती थी। ठीक वैसे ही पावलोव ने भी यही किया एक प्रयोग में। थॉर्नडाइक ने भी यही किया कि उन्होंने एक पिंजरे में बिल्ली को रखा, बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया, बिल्ली गलत गलत प्रयास करती और एक बार अंततः प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर वो सीख गई कि कैसे प्राप्त करना है। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब जब भी वो बिजली मछली को खाना होता था, सीधा वो लीवर कर जवाती थी। कहने का मतलब दोस्तों ये सब चीज़ें व्यवहार तकनीकी पर आधारित है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, उनको ऐसे सिखाइए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। अब इसकी कुछ अवधारणा देख लीजिए। व्यवहार तकनीकी की अवधारणा क्या होती है? शिक्षा का व्यवहार सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार अवलोकन योग्य होता है। मतलब विद्यार्थी जो होते हैं वो शिक्षक के व्यवहार को नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। जो मतलब टीचर है उसका व्यवहार अवलोकन योग्य होता है, मतलब बच्चे उसको देखते हैं। शिक्षक का व्यवहार सापेक्षिक होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। शिक्षक का व्यवहार मापनीय होता है, मापा जा सकता है। शिक्षक का व्यवहार संशोधनीय होता है, उसको सुधारा जा सकता है। शिक्षक केवल जन्मजात नहीं बल्कि उन्हें तैयार या निर्मित किया जा सकता है। जो भी टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनको वो जन्मजात नहीं होते, वो अपनी ट्रेनिंग से, अपने प्रशिक्षण से उनको ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये हो गए दोस्तों किसके बारे में बात हो गई, ये दोस्तों व्यवहार तकनीकी की अवधारणा है। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको लिख लेना है। अगला क्या है? अगला अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी का मतलब, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में मान लीजिए अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? हालांकि यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, मगर मैं आपकी बात कैसे सुन पाऊंगा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं?
तो वास्तव में अनुदेशन तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आपको बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी सूचना देना है, जो भी बताना है, जो भी पढ़ाना है, वो आप कहीं पे दे सकते हैं। बच्चे उसको ग्रहण करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। बच्चों का वार्तालाप आपसे नहीं हो पाता है। अनुदेशन तकनीकी कक्षा या कक्षा से बाहर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का वर्णन कहता है। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। यह कार्य शिक्षक के अतिरिक्त अन्य साधनों तथा युक्तियों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, जैसे मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, टेलीविजन के द्वारा कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा कर सकते हैं, किसी अन्य तरीके से भी। केवल आप उसको सूचना दे सकते हैं। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित होता है। इसमें हार्डवेयर उपागम लगते हैं। हार्डवेयर उपागम मतलब मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें लगती हैं, मशीनें आदि सामग्री लगती हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी डिवाइस के अंदर आपको जो पढ़ाना है, जो बताना है, आपने रिकॉर्ड कर दिया, सेव कर दिया, बच्चों के सामने रख दिया, बच्चे उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके आधार पे पढ़ रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक। एम एस क्या होते भाई, MS मैक्यूमेरन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अनुदेशन तकनीकी शिक्षण को सीखने का संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्य के रूप में डिजाइन करने, चलाने तथा उसका मूल्यांकन करने का एक क्रमबद्ध रीति है। एक रीति है क्या करने भाई, जो सिखाने के संपूर्ण प्रक्रिया को एक स्पेशल रूप में, एक विशिष्ट रूप में उसको क्रमबद्ध करने की, स्पेशल रूप में पढ़ाना है तो उसको एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक करके आप कहीं सेव कर दीजिए, कहीं रिकॉर्ड कर दीजिए। यह शोध कार्य तथा मानवीय सीखने एवं आदान प्रदान पर आधारित है। इसमें सीखने को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मानवीय तथा अमानवीय साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए मनुष्य या मनुष्य के अथवा भी अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, ये हो गई बात इनके जो उन्होंने कहा था। अब इसकी अवधारणा में देख लेते हैं, इसका कुछ कॉन्सेप्ट क्या है। विद्यार्थी अपनी क्षमताओं के और आवश्यकता अनुसार सीख सकते हैं। भैया उसको जब मन करेगा तब देखेगा, तब अपने सीखेगा। शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी सीख सकता है। अनुदेशन तकनीकी द्वारा अधिगम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीकी द्वारा विषय सामग्री को विभिन्न तत्वों में बांटकर प्रत्येक भाग को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जा सकता है। आप मान लीजिए किसी चीज़ को पढ़ाना हो तो आप उसको विभिन्न रूपों में उसको बांट सकते हैं। अनुदेशन के निरंतर प्रयोग से समुचित पुनर्बदल प्रदान किया जा सकता है। एक अच्छा फीडबैक, अच्छा रेनफोर्समेंट प्रदान किया जा सकता है। ये हो गई बात अनुदेशन तकनीक की अवधारणा की। इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि आप बच्चे को अपनी अनुपस्थिति में भी पढ़ा सके। बच्चा डिवाइस से पढ़ सकता है, हार्डवेयर उपागम से वो पढ़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षण तकनीकी। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली वीडियो में शिक्षण तकनीकी की और चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इसके सिद्धांत, इसकी अवधारणा, इसके उद्देश्य, ये सारी चीज़ें पढ़ी। क्योंकि शिक्षण तकनीकी वो तकनीकी है जो हम और आप क्लासरूम के अंदर करते हैं। ठीक है, इसमें टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़ रहा होता है, एक दूसरे से सवाल करते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है वो इस तकनीक के अंदर आती है, शिक्षण तकनीक, जहाँ पे एक टीचर होता है और एक विद्यार्थी होता है, एक नहीं कई विद्यार्थी होते हैं। और अगला जो पूरा यूनिट है वो पूरा शिक्षण तकनीकी भी है। तो अभी बस बेसिक सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शिक्षण तकनीकी का, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में समझेंगे। देखिए, शिक्षण का एक उद्देश्य उद्देश्य प्रक्रिया है, एक उद्देश्य के साथ पढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। जो हम क्लासरूम में शिक्षा देते हैं ना, उस तकनीक को हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। जो छात्र शिक्षक के अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होती है, जो छात्र और शिक्षक के, टीचर और स्टूडेंट दोनों के अंतःक्रिया से संपन्न होती है। शिक्षक को मुख्य दो तत्व होते हैं, कौन सा? पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण शिक्षक तकनीकी के अंतर्गत पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। पाठ्य वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं वो, और कम्युनिकेशन जिस संप्रेषण से पढ़ा रहे हैं वो, तो ये दो इसके प्रमुख तत्व हैं। शिक्षण तकनीकी किसके 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 दोस्तों अंतःक्रिया से होता है? छात्र और शिक्षक दोनों के अंतःक्रिया से होता है। इसके दो प्रमुख तत्व कौन कौन से? एक पाठ्य वस्तु जो आप पढ़ाना है, दूसरा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करके। शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है, अतः शिक्षण का आधार कला के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। शिक्षण तकनीकी शिक्षण के नवीन विधियों के प्रयोग पर बल देती है, जिसके उद्देश्य प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रभावी बनाया जाता है। मतलब नए नए विधियों पर प्रयोग करता है और उसके क्या करता है, शिक्षक और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। इसकी अवधारणा देख लीजिए, बाकी इसको और पढ़ना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी क्या प्रकृति होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि एक पूरा यूनिट होने वाला है, जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो एक पूरे यूनिट होने वाली है। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए कि शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा क्या होती है। शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति वैज्ञानिक है दोस्तों। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जा सकता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण और अधिगम पारस्परिक एक दूसरे से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षण और अधिगम जो पढ़ा रहे हैं वो, जो पढ़ रहे हैं वो, जो उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया जा सकता है।
प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षण द्वारा उचित परिस्थिति उत्पन्न किया जा सकता है, एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है, अपने पढ़ाने के द्वारा एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, एक उचित परिस्थिति बना सकते हैं जिससे बच्चा क्या करे और प्रभावशाली रूप से सीखे। शिक्षण क्रियाओं द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, जो आपको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, तो आप टीचिंग के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठपोषण विधि द्वारा, फीडबैक के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। अगर आप पढ़ाने में कोई कमी रह गई है तो आप पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक लेंगे और फीडबैक के बाद आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों शिक्षण तकनीकी के बारे में। एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश थी ताकि आपकी ये वाला पढ़ाई शुरू किया जाए। अब ये चूंकि फर्स्ट वीडियो बन जाएगा तो मुझे भी सेकेंड वीडियो बनाने के लिए आसानी होगी। तो फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही, बहुत बेसिक था। शिक्षण तकनीकी देखा आपने, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी और उसके तीन प्रमुख उपागम, और उसके बाद इनके जो तीन प्रकार हैं वो आपने देख लिया। आसानी से समझिए इसको, आसानी से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में हम शैक्षिक तकनीकी की और भी जो भी पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, मुझे उम्मीद रहेगा आपके कमेंट का। और मैं आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों। बाकी जैसी भी कोई समस्या आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उस पर सहायता की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।